गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साहित्य सागर के पद्य भाग से कुंडलियां पढ़ा रहे हैं। ये कुंडलियां गिरधर कविराय जी द्वारा लिखी गई हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने कवि परिचय बताया। इनकी कुंडलियों में बहुत ही सरल एवं व्यवहारिक भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। क्लियर? तो पहली कुंडली समझाया गया, उससे संबंधित अवतरण भी बताया गया था। आज मैं दूसरी कुंडली पढ़ाऊंगी। इस कुंडली में कवि ने सामान्य जीवन में कंबल के उपयोग एवं महत्व की चर्चा करते हुए उसके विविध प्रयोगों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि कंबल एक उपयोगी वस्तु है और इसके अनेक रूप होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो अब मैं भावार्थ स्पष्ट करूंगी, इसको आप लोग देखिएगा। तीसरी कुंडली में मनुष्यों को अपने अंदर सद्गुणों का विकास करने की शिक्षा दी गई है। उन्होंने मनुष्य के जीवन में गुणों के महत्व को दर्शाते हुए कोयल को गुणवान व्यक्ति के समान बताया है और गुणहीन व्यक्ति को अपवित्र कौवे के समान बताया है। और साथ ही यह भी बताया है कि संसार में गुणवान व्यक्ति की ही प्रशंसा होती है, वह हर जगह मान सम्मान को प्राप्त करता है। क्लियर? सी नेक्स्ट कुंडली। इस कुंडली में गिरधर कविराय ने कंबल, जिसका प्रयोग हम ठंड के दिनों में करते हैं, उसके लाभ के बारे में बताया है, यह किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। सी ऑल ऑफ यू। कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम। कमरी मीन्स कंबल, या कंबल थोरे मीन्स थोड़े दाम की होती है, सस्ते दाम की होती है, लेकिन हमारे बहुत काम आती है। नेक्स्ट लाइन, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। ये मलमल वाफ्ता एक प्रकार का कीमती वस्त्र है, इससे बने हुए परिधान अगर हम ठंड के मौसम में पहने तो यह उनका मान बढ़ाती है। कैसे? अगर हम ठंड के दिनों में इस प्रकार के कीमती परिधान पहनकर बाहर निकले, ये तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर हम अच्छे से कंबल को लपेट करके बाहर निकले तो यह हमारे मान को बढ़ाएगी और हमारी शोभा भी बढ़ाती है। नेक्स्ट लाइन, उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे। यह उनका भी मान बढ़ाती है। जब हमारे रास्ते में, हमारे मार्ग में कहीं कोई बाधा आ जाती है, मुसीबत आती है, तो उस समय भी यह कंबल हमारा, हमारी रक्षा करती, हमारे मान की रक्षा करती है। बकुचा बांधे मोट राति को झारी बिछावे। अगर कहीं हम मार्ग में हैं, अगर हमें कोई मोट या कुछ अनाज या कोई भी सामान को अगर हमें बांधना है तो हम उससे, उस कंबल से बकुचा बांध सकते हैं, अर्थात उसकी गठरी बना सकते हैं। और इसके अलावा राति को झारी बिछावे, अगर हम रात में जा रहे हैं, सोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इस कंबल को भी हम झाड़ करके, बिछा करके हम सो सकते हैं। क्लियर? लास्ट, क गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राख है साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गिरधर कविराय कहते हैं कि यह कंबल बहुत थोड़े दाम की होती है, दमरी मीन्स दमड़ी, थोड़े मूल्य की होती है, लेकिन यह, इसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि यह हमारी मर्यादा को बढ़ाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ सी स्टूडेंट्स, अवतरण 2 यहां पर दिया है, इससे रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, कमरी का क्या अर्थ होता है? मिलत है थोरे दमरी द्वारा कवि गिरधर क्या कहना चाहते हैं? तो कुंडली को एक्सप्लेन किया गया है, कुछ पॉइंट्स मैम बता दे रही हैं, आप उसी के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। पहला पार्ट प्रश्न का, कमरी का अर्थ कंबल होता है। नेक्स्ट पार्ट, मिलत है थोरे दमरी, तो इस पंक्ति का अर्थ लिख लीजिएगा कि यह कंबल थोड़े दाम की मिलती है। इस पंक्ति के द्वारा कवि गिरधर क्या कहना चाहते हैं? तो लिख लीजिएगा कि कवि गिरधर ने बताया है कि यह बहुत सस्ते दाम की मिलती है, यह एक मोटा, एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है, या मलमल वाफ्ता जैसा कीमती वस्त्र कीमती नहीं होता है पर बड़े काम का होता है। ठीक है,
इसलिए कंबल को हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे मान को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 2, कमरी हमारा मान रखती है कैसे? तो कमरी हमारा मान कैसे रखती है? जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब किसी संकट में रहते हैं, जब हमारे जीवन में कोई बाधा आ जाती है, तो कौन कौन सी बाधा उसको लिख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए ठंड के दिनों में हम मलमल वाफ्ता जैसे कपड़े पहनकर जा रहे हैं और उस समय हमें ठंड अगर लगती है तो यह कंबल जैसी चीज हम इसको अगर ओढ़ लें तो हमारे मान की रक्षा हमारे मान को बढ़ाती है। क्लियर। इसके अलावा यह भी लिख सकते हैं इसमें जो कुंडली में बताया गया है कि अगर कहीं हम जा रहे हैं तो अगर कोई सामान रखना है, कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, तो इसमें हम सामान रख करके पोटली बना सकते हैं। कहीं हम जा रहे हैं विश्राम करने के लिए कोई साधन नहीं है तो इस कंबल को भी हम बिछा करके उस पे हम सो सकते हैं। इन सब चीजों से कंबल हमारा मान रखती है। नेक्स्ट पार्ट, प्रश्न नंबर 3, कमरी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है अथवा थोड़े दाम की कमरी हमारे बहुत काम आती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो कमरी का उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता है, ये पूरी कुंडली में कमरी के कंबल के उपयोग के बारे में बताया गया है, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, शब्दार्थ लिखिए। शब्द दिए हुए हैं उसके अर्थ लिख लोगे। दाम मीन्स मूल्य, बंद मीन्स मुसीबत बाधा, मोट मीन्स गठरी, रात मीन्स रात्रि रात, झाड़ी मीन्स झाड़कर, आड़े मीन्स बाधक बनना बाधा आना। क्लियर। इस प्रकार इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में करना है। क्लियर। तीसरी कुंडली पढ़ाई जाएगी। इस कुंडली में गिरधर कविराय ने मानव जीवन में गुणों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि संसार में मानव का सम्मान उसके गुणों के आधार पर ही होता है। क्लियर। चलिए देखिए क्या बताया उन्होंने। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनके गाहक अर्थात प्रशंसक सहस नर, सहस मीन्स हजारों लोग होते हैं, अर्थात जो गुणी व्यक्ति हैं उनको सभी मान सम्मान देते हैं, उनकी हर जगह पूजा की जाती है। लेकिन बिन गुण लहे न कोई, जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं उनको कोई नहीं पूछता, अर्थात उनको कहीं भी कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। यहां पर कवि ने कागा मीन्स कौवा, कोकिला मीन्स कोयल, कौवा और कोयल का उदाहरण देते हुए गुणवान व्यक्ति में और गुणहीन व्यक्ति में अंतर स्पष्ट करते हुए बताने का प्रयास किया है। सी कि जिस प्रकार से कौवा और कोयल के शब्द सुने सब कोई, उनकी ध्वनि को उनकी आवाज को सभी सुनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। सभी उनकी ध्वनि को सुनते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं, लेकिन कोकिला अर्थात कोयल सभी को अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है, प्रिय लगती है। क्यों? क्योंकि कोयल की मीठी बोली होती है और कौवे की कर्कश आवाज होती है, इसलिए अपनी मीठी बोली के कारण वह सभी के लिए प्रिय होते हैं और मीठा बोलना भी एक सबसे अच्छा गुण होता है। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, दोऊ को एक रंग, काग सब भये अपावन। दो मीन्स दोनों, दोनों का रंग एक होता है, अर्थात दोनों ही काले रंग के होते हैं, कौवा भी और कोयल भी, लेकिन कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सबकी प्रिय होती है, लेकिन कौवा वह अपने कर्कश आवाज के कारण वह उसे अपावन मीन्स अपवित्र माना जाता है, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हे मन के स्वामी सुनो, क्या? बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि बिना गुण के जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं उनका कोई प्रशंसक नहीं होता है, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है, बल्कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह सभी जगह मान सम्मान को
प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि हर मनुष्य को अपने अंदर अच्छे गुणों को, अच्छे संस्कार को विकसित करना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब उसी से रिलेटेड, इसी कुंडली से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा।